नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष जानकारी कि अगर आप अपने दैनिक जीवन के अंदर इस प्रकार की गलती करते हैं और ये चीज़ें अगर आपके पास होती है तो दोस्तों आप निश्चित तौर पर कंगाली को समझ लीजिए कि लाने का कार्य करते हैं। ऐसे घर के अंदर कभी भी माता लक्ष्मी नहीं प्रवेश करती और ऐसे घर के अंदर देखते ही देखते कंगाली आ जाती है। तो दोस्तों, किसी भी इंसान हो, आपको यह 5 गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए ताकि आपको सकारात्मक लाभ प्राप्त हो और न कि आपके जीवन के अंदर कंगाली देखने को मिले। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तुलसी को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। जिस घर के अंदर दोस्तों तुलसी होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी प्रवेश करती है, उस घर के अंदर धन धान्य भरपूर मात्रा के अंदर रहता है और उस घर का कोई भी दोस्तों बाल बांका नहीं कर पाता है। माता तुलसी की होने मात्र से ही समझ लीजिए कि शत्रु उस घर से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा निवेदन है कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते तो तुलसी को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। जैसे कि अगर दोस्तों आप माता तुलसी का समझ लीजिए किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं, जैसे कि आप उनकी पूजा पाठ नहीं कर पाते समय पर, आप तुलसी के पौधे को सामान्य पौधे की ही तरह घर के अंदर रख देते हैं, तुलसी के पास किसी प्रकार का दीपक नहीं जलाते हैं। अन्य बार जहां जिस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है उस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ लेते हैं, तुलसी विवाह समय पर नहीं करवाते हैं और तुलसी को आप उसकी चुनर आदि ओढ़ा दी जाती है तो उनकी आप नहीं करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की अगर आप तुलसी के साथ सेवा भाव नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों भूल कर भी तुलसी को अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा घर के अंदर अगर आप तुलसी को रखते हैं तो दोस्तों साक्षात कंगाली को आमंत्रित कर लेंगे। आपके घर के अंदर कभी भी माता तुलसी प्रवेश नहीं करती है और ऐसे घर के अंदर देखते ही देखते कंगाली आ जाती है, क्योंकि दोस्तों तुलसी मात्र पौधा नहीं, तुलसी को लक्ष्मी का स्थान प्राप्त है और अगर आप तुलसी के साथ ये कार्य नहीं कर पाते तो आपको भूल कर भी तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो कई लोगों की दोस्तों आदत होती है सुबह उठते ही सूर्य देव को जल देने की, और सूर्य देव को जल देने मात्र से ही आपकी कुंडली चमक जाती है, आपकी कुंडली के सितारे चमक जाते हैं और वास्तव में आपको लाख गुना पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सूर्य देव को समय पर जल नहीं देते, अर्थात कि जब जगे तब सवेरा, सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इस समय अगर आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं तो उल्टा दोस्तों यह समय होता है राक्षसों को आमंत्रित करने का, यह समय होता है असामायिक शक्तियां होती है उनको आमंत्रित करने का। अगर उस समय आप जल देते हैं तो दोस्तों भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद तो आपको नहीं मिलता बल्कि आप उन दिव्य शक्तियों को जागृत कर जाते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होती है। और दोस्तों, ये शक्तियां आपके घर के अंदर जल चढ़ाने से मात्र प्रसन्न हो जाती है और देखते ही देखते आपके घर के अंदर आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको भूल कर भी ऐसे समय भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करके अनावश्यक शक्तियों को जागृत नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं और रोजाना नियम बनाते हैं और सुबह 8 बजे से पहले पहले ही भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर देना चाहिए ताकि उनकी सकारात्मकता आपके जीवन के अंदर बनी रहे, न कि आपके घर के अंदर कंगाली देखने को मिले। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर चप्पल खोल कर आते हैं, जूते चप्पल मुख्य द्वार पर ही त्याग कर आते हैं और दोस्तों बहुत अच्छी आदत होती है कि घर के अंदर नकारात्मकता से घर कर आए, पता नहीं कहां कहां पर आप जाकर आते हैं और वैसे जूते अपने घर के अंदर आपको नहीं प्रवेश करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप घर के मुख्य द्वार पर ही जूतों का जमावड़ा कर देते हैं, मुख्य द्वार को पूरा जूतों से हटा देते हैं और साथ ही साथ जूते उल्टे हो जाते हैं, एक दूसरे के सामने की तरफ हो जाते हैं, दोस्तों घर के अंदर उल्टा जूता होना साक्षात नकारात्मकता को आमंत्रित करता है, साक्षात बुरी शक्तियों को आमंत्रित करने का कार्य करता है और वहां पर धन लक्ष्मी किंचित मात्र भी निवास नहीं करती है। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक तो कभी भी जूतों का जमावड़ा नहीं, उन्हें व्यवस्थित स्थान पर रखना चाहिए और घर के मुख्य द्वार के सामने भूल कर भी उल्टे जूते नहीं रखने चाहिए। अगर वह रखते हैं
तो कभी भी आपको सकारात्मक प्रभाव नहीं देते और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर कंगाली का योग बना देते हैं। इसी वजह से इस प्रकार के जूते आपको तुरंत प्रभाव से हटा देने चाहिए। इसी तरह दोस्तों, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लोग धूप दीप करते हैं, दीपक बाती करते हैं, सुबह और शाम की पूजा करते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि आखिर हमें क्यों फल नहीं मिला। अगर आप यह गलती करते हैं तो आपको कभी भी पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। एक तो ऐसे कि कभी भी अपने घर की पूजा पाठ आप जो व्यक्ति बिना मन से करता है, जैसे कि आपके घर के अंदर माता पिता दबाव देते हैं बच्चे को कि धूप दीप कर दो, और बच्चा जो कि सिर्फ और सिर्फ डांट के चक्कर के अंदर और बिना मन से पूजा पाठ करके सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मात्र करता है, तो उसका प्रभाव आपको कैसे प्राप्त होगा? उसका प्रभाव आपको कभी भी प्राप्त नहीं होता है। जिस तरह आप भी बिना मन से अपने बच्चे को बोल देते हैं, या फिर आप भी बस पूजा पाठ करना है ऐसा बोलकर पूजा पाठ करते हैं, तो दोस्तों आपको भूल कर भी पूजा पाठ ऐसे तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उसका फल तो प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि आपने बिना मन पूजा पाठ की है तो भगवान कैसे आपके ऊपर मन लगाकर आपको प्रसन्न करेंगे। भूल कर भी ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों दूसरा होता है, ये पूजा पाठ करते समय आपको दीपक कभी भी सम संख्या के अंदर नहीं जलाने चाहिए, हमेशा विषम संख्या के अंदर दीपक जलाने चाहिए। जैसे कि आपको 2 दीपक, 4 दीपक, 6 दीपक, इस प्रकार से दीपक नहीं जलाने चाहिए। आप दीपक हमेशा जलाएं 3, 1, 5, इस संख्या के अंदर दीपक जलाएं, ताकि आपको उसका 2 गुना प्रभाव देखने को मिलेगा, न कि आपको उसका प्रभाव ही देखने को नहीं मिलेगा, आपको उसका कई गुना प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरह पूजा पाठ करने का भी दोस्तों एक अच्छा समय होता है, जब सूर्य जैसे ही अस्त होने लगता है, सूर्य अस्त हो जाए उस समय आपको घर की शाम की पूजा करनी चाहिए, और सूर्य उदय के साथ साथ आपको सुबह की पूजा करनी चाहिए, और तो आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। और एक नियम बना ले कि कोई भी व्यक्ति पूजा करता है सुबह करो या शाम के समय, खाने से पहले उसको पूजा करनी चाहिए। भूखे पेट पूजा करने के बाद आपको किसी प्रकार का अन्न ग्रहण करना चाहिए दोस्तों। आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर देखते ही देखते समृद्धि बन जाएगी, और आपके घर के मात्र से ही कंगाली दूर चली जाती है, और आपके घर के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है। ऐसा प्रभाव मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो हर लोग करता है लेकिन आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने शयन कक्ष के अंदर ऐसी देवी देवताओं की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जो कि ब्रह्मचर्य के श्रेणी के अंदर आते हैं, और उनकी हमेशा स्थान आपको घर के पूजा घर के अंदर दे लेकिन अपने शयन कक्ष के अंदर भूल कर भी नहीं दे। जिनके अंदर देखे तो सबसे पहले दोस्तों हनुमान जी की तस्वीर को भूल कर भी आपको अपने शयन कक्ष के अंदर हनुमान जी की तस्वीर, हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की चीज अपने शयन कक्ष के अंदर आपको नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपको हनुमान जी के साक्षात क्रोध का सामना करना पड़ता है, और वह क्रोध आपके जीवन भर आपको समझ लीजिए कि आपको आगे बढ़ने नहीं देता। इसी वजह से अपने घर के मुख्य अपने शयन कक्ष के अंदर हनुमान जी की तस्वीर न रखें, अपने पितरों की तस्वीर आपको भूल कर भी अपने शयन कक्ष के अंदर नहीं रखनी चाहिए। अपने पितरों को भी आप बाहर ड्राइंग रूम में स्थान दें या कहीं भी स्थान दें, लेकिन आपको अपने शयन कक्ष के अंदर पितरों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, घर की रसोई के अंदर या जहाँ भी आपके घर के पानी भरने का स्थान है, अब वहाँ कभी भी पानी समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पानी को संपन्नता का, पानी को अपने जीवन के अंदर ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, और अगर आप अपने घर के अंदर पानी के पात्र एक बार की सारे के सारे पात्र खाली कर देते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर समृद्धि नहीं आती। इसी वजह से दोस्तों जब भी हम नया घर लेते हैं या किराए का भी घर लेते हैं तो सबसे पहले वहां पर जाकर पानी का घड़ा, पानी का कलश, जब भी मुहूर्त करते हैं तो जल कलश पहले स्थापित करते हैं, उसके बाद सारी पूजा पाठ की जाती है, पानी को पहले वहां पर पहुंचाने का रिवाज माना जाता है। इसका कारण होता है जहां पर जल होता है वहां पर समृद्धि होती है, वहां पर ठंडक बनी रहती है और वहां पर नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती है, इसी वजह से वहां पर ऐसा किया जाता है दोस्तों। इसी तरह
एक बात का आपको और ध्यान रखना चाहिए, कभी भी अपने घर के अंदर गंदगी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपने रसोई घर को गंदा रखते हैं, रात को रसोई के अंदर जूठे बर्तन छोड़ते हैं, तो ऐसे घर के अंदर अपने आप ही सकारात्मकता वहां से कोसों दूर चली जाती है, वहां पर देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता और वहां पर देखते ही देखते अपने आप ही सारे काम बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी गलतियाँ अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी, और ऐसी गलती करने वालों के यहाँ साक्षात गंगाली ही होती है। इसी वजह से इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर इस प्रकार की कभी कोई समस्याएं नहीं आए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों, इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अन्य जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों।